ठीक है क्योंकि टाइम मेरे पास कम होता है मेरा एक क्वेश्चन 15 मिनट या फिर जो है 10 मिनट का क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं कि उस 10 मिनट में 15 मिनट में जो है मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट यहां पर जो है वो सीखा पाऊं ठीक है तो आप इन क्वेश्चन को सिंपल एक क्वेश्चन की तरह ना देखें आप इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखें एक बार में आप कई सारे कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे मेरे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उन सारे क्वेश्चन में आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे ठीक है तो आप देखें इस क्वेश्चन को भी इस क्वेश्चन की अगर बात करें ये क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया है मैंने तो इस क्वेश्चन में जो है आप जो है काइनामेटिक्स भी सीखेंगे इस क्वेश्चन में आप जो है एनएलएम फ्रिक्शन भी देखेंगे इस क्वेश्चन में आप वर्क पा एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन को भी देखेंगे और इसी क्वेश्चन में आप जो है यहाँ पर अपने रोटेशनल डायनामिक्स और प्योर रोलिंग की कंडीशन को भी देखेंगे ठीक है इतनी सारी बातें हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें ठीक है चलो हाँ बेटा सबसे पहले तो ये एनक्लाइन प्लेन है इस एनक्लाइन प्लेन पर जो है वो एक रिंग रखा हुआ है ये रिंग है ठीक है एनक्लाइन प्लेन और इस पर रिंग है ये एंगल हमें गिवन है ये एंगल जो है वो थीटा एंगल है ठीक है अब आप देखें सबसे पहले तो यहां पर मैं नीचे इसका वेट होगा यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है रिंग का वेट ये वेट बना दिया मैंने एम ठीक है और अगर इसके कंपोनेंट बनाए जाएँ एम के तो कंपोनेंट इस तरीके से होंगे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर बनेगा ये आपने सरफेस के पैरल एक कॉम्पोनेंट ले लिया और एक कॉम्पोनेंट जो है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट ले लिया ठीक है इनकी वैल्यूज की अगर बात करें ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा सॉरी 90 माइनस थीठा होगा ये वाला 90 माइनस सीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा हुआ तो इस एम का थीटा की तरफ कॉम्पोनेंट जो होगा वो होगा आपका एम जी थीटा। और जो सरफेस के पैरल कॉम्पोनेंट होगा वो होगा आपका एम जी साइन थीटा ठीक है और अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सरफेस पर यहां लग रहा होगा ये फ्रिक्शन फोर्स है ठीक है इसकी अगर वैल्यू लिखता हूं मैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर तो ये मैंने लिख दिया म्यू इन टू एन के इक्वल एन एन का मतलब हो गया नॉर्मल नॉर्मल अगर बनाया जाए तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल हो जाएगा इस तरह का डायग्राम हमारे पास में है। ठीक है ये जो रिंग है ये रिंग टॉप से बॉटम पर जो है वो रोल करती हुई नीचे इस तरीके से रोल करती हुई नीचे की तरफ आ रही है और आपको जो है

कि यहां पर इस रिंग की जगह पर एक ब्लॉक होता तो आप क्या करते वर्कडन फाइंड आउट करने के लिए तो आप बोलते सर फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में म्यू इनटू एन डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एल और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री तो कॉस्ट 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी माइनस वन तो आप डायरेक्ट बोलते वर्कडन इक्वल टू म्यू एन इंटू एल और नेगेटिव में इसका आंसर दे दे तो वर्क डन हो जाता है यहां पर ठीक है बिल्कुल क्लियर है पर अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो आपको पता है कि यहां पर जो एक ब्लॉक नहीं है यहां पर एक रिंग है और रिंग जब रोटेट हो रही है ना बेटा तो उस कंडीशन में जो कि आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये हमेशा सरफेस के साथ नहीं है जब रिंग आपकी रोटेट होती जाएगी तो ये पॉइंट जो है इस जगह पर है वो पॉइंट जो है वो चेंज होता जाएगा नहीं होता जाएगा तो पॉइंट अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ब्लॉक की तरह वर्कडन बाय फ्रिक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें तो आप देखें इधर ध्यान से सबसे पहले तो एक तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि ये अगर रिंग जो है वो ऊपर से नीचे तक प्योर रोलिंग कर रही है

तो VCM जो है मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा के इक्वल है तो उस कंडीशन में वो आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन है उसका मुझे यहां पर कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक है सेकेंड कंडीशन सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन इस टेंजेंशियल एक्सलेशन के इक्वल हो जाए टेंजेंशियल एक्सलेशन की वैल्यू आप जानते हैं अल्फा इंटू आर अल्फा एंगुलर एक्सलेशन उसको आप अगर रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टेंजेंशियल एक्सलेशन बनता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेशन इस टेंजेंशियल एक्सलेशन के इक्वल हो जाए ठीक है ए सी एम जो है वो किसके इक्वल हो जाए अल्फा आर के इक्वल हो जाए ये भी कंडीशन क्या बनती है ये भी आपके जो है अपने किसकी यहां पर प्योर रोलिंग की कंडीशन बनती है ठीक है एक और बात जो भी आपको याद होनी चाहिए कि अगर सपोज हम बोलना चाहते हैं कि डायरेक्ट की प्योर रोलिंग है या नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यह पता होना चाहिए कि म्यू मिनिमम जो है उस म्यू मिनिमम की वैल्यू टेन थीटा अपॉन वन प्लस अपॉन के स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए या इससे म्यू ज्यादा होना चाहिए यह तो मैंने मिनिमम की कंडीशन बता दी म्यू अगर इससे ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी प्योर रोलिंग हो सकती है तो आप देखें इधर ध्यान से कि यहां पर अगर मैं देखता हूं के की वैल्यू रेडियस ऑफ गैरेशन तो अगर रिंग की बात करें तो रेडियस ऑफ गाइरेशन की वैल्यू जो है वो आर के इक्वल होती है तो आर स्क्वायर और नीचे भी आर स्क्वायर लिखेंगे तो कैंसिल होगा वन तो यहाँ पर म्यू मिनिमम आएगा टेन थीटा वन प्लस वन मतलब टू हो गया तो इसका मतलब म्यू मिनिमम की वैल्यू होगी टेन थीटा बाई टू हमारे पास में म्यू कितना है तो म्यू की वैल्यू है टेन थीटा बाई इसका मतलब यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन कोफिशियंट है वो जो है इस मिनिमम फ्रिक्शन से भी कम है इसका मतलब ये प्योर रोलिंग के लिए जो है वो आपका जो है इनसफिशिएंट है कि नहीं है ठीक है तो हम यहां से भी बोल सकते हैं कि ये जो आपकी रिंग है वो प्योर रोलिंग नहीं कर रही है क्लियर है चलो तीन बातें मैंने बताई कौन कौन सी फिर से एक बार बोल रहा हूं प्योर रोलिंग के लिए आप एक बात तो बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर के इक्वल हो सेकंड सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन अल्फा इंटू आर टेनजेंशियल एक्सलेशन के इक्वल हो या फिर म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए तो टेंट थीटा अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर के इक्वल यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं रिंग के लिए तो के की वैल्यू आर के इक्वल होती है तो टेंट थीटा बाई टू आता है हमारे पास म्यू कितना है टें थीटा बाई फोर इसका मतलब जो म्यू है वो आपका इनसफिशियंट है तो उस कंडीशन में ये भी प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं बन रही है ठीक है तो ये तो प्रूव हो गया मैं इसको भी प्रूव कर देता हूं तो आप देखें इधर ध्यान से सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर फोर ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहा हूं तो आप देखें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg जी साइन थीटा और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है म्यू इंटू एन इस म्यू इंटू एन को सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा देखो आप लोग इधर μn to n, μ की वैल्यू कितनी है? तो μ की वैल्यू आपकी tan theta by 4, tan theta को लिख सकता हूँ sin theta upon cos theta into 4. ये tan theta लिख दिया, फिर लिखना है n, n की वैल्यू किसके इक्वल है? n इक्वल है आपका mg cos theta के. तो ये cos theta से cos theta कैंसिल हो जाएगा. और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, उसकी वैल्यू होगी mg sin theta by 4 के इक्वल. तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन की वैल्यू है एम जी साइन फोर ठीक है ये फोर्स मैंने म्यू इंटू एन से फाइंड आउट कर दी इन बातों को मैं यहां से हटा रहा हूं अभी अभी मैं आपको क्लियर करता हूं ये सब ठीक है हाँ बेटा देखो इधर ध्यान से हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है आपका एम जी साइन थीटा और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एम जी साइन थीटा बाई फोर तो अगर यहां पर मैं नेट फोर्स लिखता हूं तो मुझे फोर्स मिलेगा एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बाई फोर इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास मिलेगा एम ए एम तो मैंने कॉमन लिया और इसे कैंसिल आउट किया और एक ही अगर वैल्यू लिखता हूं यहां पर तो ये जी साइन थीटा में से जी साइन थीटा और फोर माइनस किया तो ये थ्री बाई फोर जी साइन ठीटा के इक्वल एक्सेलरेशन आता है ठीक है तो सबसे पहले ट्रांसले अपने जो है ट्रांसलेटरी मोशन में मैंने बात की तो मुझे एक्सेलरेशन मिला यहां पर थ्री बाई फोर जी साइन थीटा ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है अब अगर बात करते हैं कि इसमें रोटेटरी मोशन में आते हैं रोटेटरी मोशन ठीक है तो आप देखें इधर रोटेटरी मोशन के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है अल्फा इक्वस टू आई सॉरी टॉर्क इक्वस टू आई अल्फा के इक्वल ठीक है तो आप देखें टॉर्क लिखना है मुझे तो इस रिंग को घुमाने वाला फोर्स कौन सा है ये वाला टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है एम जी साइन थीटा बाई फोर और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये रोटेट हो रहा है तो यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई आर तो अगर मैं टॉर्क की वैल्यू लिखता हूं तो टॉर्क होगा एम जी साइन थीटा बाई फोर इन टू आर के इक्वल आई की वैल्यू रिंग के लिए लिखें अपने जो है तो आई जो होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर और अल्फा में फाइंड आउट कर रहा हूं रिंग की जगह अगर डिस्क होता तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लेता एम आर स्क्वायर बाई टू इसकी जगह पर अगर जो है सॉलिड स्फीयर होता तो वैल्यू लेता टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर होलो स्फीयर होता तो उस कंडीशन में वैल्यू लेता टू बाई थ्री एम आर स्क्वायर ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए हमारे पास तो रिंग है रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ठीक है ये एम फिर से मैंने कैंसिल आउट किया एक आर से आर भी कैंसिल हो गया तो एल्फा की जो वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ से उसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर जी साइन थीटा अपॉन ये आर नीचे शिफ्ट कर देना तो ये फोर आर के इक्वल जो है ये मुझे अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई अब आप देखेंगे ध्यान से कि अगर मैं इस अल्फा को आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका ए टेंजेंशियल ए टेंजेंशियल यहाँ वाला बन जाएगा तो अगर इसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टेंजेंशियल एक्सलेशन है और मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि ये सेंटर ऑफ मास के एक्सलेशन के इक्वल है सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन कितना आ रहा है थ्री बाई फोर जी साइन थीटा और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी जी साइन थीटा बाई फोर इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है तीन तरीके से मैंने आपको बता दिया एक तो आपका म्यू अनसफिशियंट है इनसफिशियंट म्यू है तो उस कंडीशन में हम यहां बोल सकते हैं कि ये आपका जो है प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है या फिर आप जो है टेंजेंशियल को सेंटर ऑफ मास के इक्वल के करते हैं तो भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि ये यह आपका यहां पर अपने प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है अब प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सा याद करूं तो मुझे याद है कि अगर मुझे डन फाइंड आउट करना है तो डन का फॉर्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूं मैं ठीक है बेटा इससे मुझे डन की वैल्यू मिल जाएगी अब मुझे बताए कि ये रिंग ऊपर से चलना स्टार्ट हुई ये इसका मतलब इसकी इनिशियल एनर्जी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ठीक है तो ओनली मुझे वर्क डन के लिए क्या लिखना है इस पॉइंट पर फाइनल एनर्जी फाइनल एनर्जी जो है अगर ये आपका रोलिंग हो रही है तो दो तरह की एनर्जी होगी एक तो आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर और एक आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ये दो तरह की एनर्जी और इनिशियल एनर्जी तो जीरो हो गई ठीक है इस तरीके से मैं वर्क डन फाइंड आउट कर सकता हूं अभी मैं और आगे बात करता जाऊंगा हाँ सबसे पहले मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं सबसे पहले मुझे वी चाहिए और एक मुझे ओमेगा चाहिए वी फाइंड आउट करता हूं मैं एक्सलेशन से ठीक है तो देखो इधर ध्यान से एक्सलेशन मेरे को पता है वी निकालना है तो मैं थर्ड इक्वेशन से जो हमने पढ़ी है अपने थर्ड uh, इक्वेशन से वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं पर हम क्या करते हैं बेटा सबसे पहले सेकंड इक्वेशन से टाइम फाइंड आउट करते हैं उसका रीजन ये टाइम मुझे यहां भी जरूरत पड़ने वाला है एस इक्व टू आप जानते हो यू टी प्लस हाफ ए टी काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां लिखा टोटल डिस्टेंस कितनी है वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ ए की वैल्यू लिखता हूं यहां पर ए की वैल्यू है थ्री बाई फोर जी साइन थीटा एंड टी स्क्वायर और यहां से अगर मैं टी की वैल्यू लिख रहा हूं तो टी इक्वस टू मुझे मिलती है वैल्यू रूट ये एट ऊपर चल जाएगा तो एट एल अपॉन नीचे होगा थ्री थ्री जी साइन इस तरीके से मैंने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर दिया और अब फर्स्ट इक्वेशन वीक्वस टू यू प्लस ए से मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं फाइनल तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो एक्सलेशन की वैल्यू थ्री बाई फोर जी साइन ठीटा ठीक है और t लिखना है तो t की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी रूट एट एल अपॉन थ्री जी साइन ठीटा ठीक है ये ऊपर थ्री जी साइन ठीटा आपका जो है बिना रूट में लिखा हुआ है ये रूट में लिखा हुआ है तो पूरा रूट में आ जाएगा फोर को आप अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर करना सिक्सटीन ठीक है एट से आप कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे टू आ जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर मुझे मिलेगी थ्री एल जी साइन ठीटा डिवाइड बाय टू ये बेटा मुझे इसकी फाइनल लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी क्लियर है अच्छा अब हम जो है रोटेशनल मोशन में आते हैं तो अगर रोटेशनल मोशन की बात करें अब ये टाइम मैं यहाँ पर यूज़ में ले लूँगा ठीक है तो मुझे इक्वेशन लिखनी है ओमेगा इक्व टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी लिख रहा हूँ तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी जीरो प्लस एल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास में है ये लिखा हुआ जी साइन थीटा बाई फोर आर और टाइम भी मेरे पास में है टाइम गेरा तो वैल्यू है टाइम की कितनी यह एट एल अपॉन थ्री जी साइन ठीटा ठीक है इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ओमेगा इक्वल्स टू वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर रूट ये जी साइन थीटा और नीचे ये फोर अंदर लिखूंगा तो सिक्सटीन एट से कैंसिल किया तो टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये सिक्स और ये आर भी अगर रूट में लिखूंगा तो अंदर आर स्क्वायर ये बेटा मैंने ओमेगा फाइंड आउट कर दिया इस तरीके से मैंने अब यहाँ पर जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू पे आते हैं वकडन फाइंड आउट किया तो मैंने लिखा है यहाँ पर हाफ मास एम इस वेलोसिटी का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा आपका थ्री एल जी साइन थीटा बाई टू प्लस हाफ आई की वैल्यू लिखनी है तो रिंग है रिंग के लिए वैल्यू लिखी मैंने एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर लिखना है तो ये ओमेगा है इसका स्क्वायर लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना जी साइन थीटा अपॉन सिक्स आर स्क्वायर के इक्वल ठीक है एक इसमें एल भी लिखना है यहाँ पे एल भी बचा हुआ है या पीछे नहीं लिखता हूँ आगे लिख देता हूँ ठीक है तो यहां पर भी जो है ये जी साइन थीटा और एल भी यहाँ पर आना है ठीक है अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वगडन की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो एम जी एल साइन थीटा तो कॉमन ब्रैकेट में बचा हुआ है यहां पर थ्री बाई फोर प्लस ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर वन बाई ट्वेल्व ठीक है इसे मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी एल सी लिया ट्वेल्व नाइन प्लस वन टेन टेन बाई ट्वेल्व एम जी एल साइन थीटा या फिर मैं वकडन लिख सकता हूँ यहाँ पर फाइव बाई सिक्स एम जी एल साइन थीटा ये मैंने यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी पर ये जो वर्क डन आया बेटा ये टोटल वर्क डन है यहाँ पर जब ये रिंग जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो जो टोटल वर्क डन है वो टोटल वर्क डन वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दोनों तरह के वर्क डन है कि नहीं है तो हमें निकालना है यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए टोटल वर्कडन जो है उसमें से वर्कडन बाय ग्रेविटी को माइनस करना है वर्कडन टोटल निकाला मैंने तो ये लिखा फाइव बाई सिक्स एम जी एल साइन थीटा माइनस ग्रेविटी का वर्कडन लिखना है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है आपका कितना एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना एल तो ये फाइव बाई सिक्स है उसमें से आपको एम जी साइन थीटा टू एल को माइनस करना है तो फाइव बाई सिक्स में से वन माइनस करेंगे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो मिलेगा आपको वो नेगेटिव में आएगा वन बाई सिक्स एम जी एल साइन थीटा के इक्वल इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं ठीक है